अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आई थिंक मैं अपने टाइम पे व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ इस दफ़ा। कंसेक्टिव दो व्लॉग्स हैं जो अभी पिछले बार जो आपने देखा और अब ये वाला कि बीच में ज़्यादा गैप नहीं आया। अपने टाइम पे जितना पहले अपलोड कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ। आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है, आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा। एक्चुअली ये वीडियो जो है मैं थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। इसमें मैं बताऊंगा कि आप जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस वगैरह हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त वगैरह आप में से उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक वगैरह पे मैसेज किया, तो मेरे से पूछ रहे थे कि जो स्टूडेंट की अकोमोडेशन है यहाँ पे कोलालमपुर में या मलेशिया में, उसका क्या सिनेरियो है, किस तरह है। तो आज मैं इस जगह पे आया हूँ। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनकी प्रॉपर्टी है और उनसे मैंने परमिशन ली कि अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं यहाँ पे शूट कर लूँ। डैनियल नाम है उनका, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर। तो आज आपको इस प्रॉपर्टी का भी टूर दूंगा कि प्रॉपर्टी कैसी है, लोकेशन कौन सी है एंड और इसकी प्राइस वगैरह क्या। एंड लेट्स स्टार्ट देन। अच्छा, तो ये था छोटा सा टूर इस जगह का। अब ये जगह कौन सी है? ये जगह है जी बरजाया टाइम स्क्वायर। बरजाया टाइम स्क्वायर जो है वो काफ़ी, मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ कि कितनी सेंट्रल लोकेशन पे है। और यहाँ पे एक रूम है, ये बेडरूम है। आई थिंक ये डिफरेंट रूम नहीं है, ये जस्ट आप ये वाली जो पार्टीशन है, वो बड़ा भारी है यार, इसको आप मूव कर सकते हो। और ये टीवी वाला एरिया है, बेड हो गया आपका। और वॉशरूम मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि आपका जो शावर और जो बाथटब वाला एरिया वो डिफरेंट है, और जो दूसरा जो टॉयलेट वगैरह वो डिफरेंट है, दो रूम कह सकते हो। और उसकी जो एंट्रेंस है वो एक यहाँ से है और एक इस जगह से, जब आप मेन दरवाजे से आते हो तो यहाँ से भी एक एंट्रेंस है। और किचन जो है वो यहाँ पे कोई इतना ख़ास नहीं है। आप ये है कि आपके पास माइक्रोवेव है, ये है वॉश बेसन, और ये थोड़ा छोटा सा फ्रिज है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे वो रख सकते हो, इंडक्शन प्लेट जो होती है वो हम लोग नॉर्मली वो यूज़ करते थे पहले, जो पुरानी लोकेशन पे था। तो ये है कि वो आप रख लो। तो आई थिंक सो लाइक इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर कॉल अ स्टूडियो अपार्टमेंट, लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं है ये, बहुत बड़ा ये एक स्वीट है। बरजाया स्वीट्स जो हैं ये उनमें से एक स्वीट है। अच्छा, अगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो ये जगह जो है ये बुकित बिनतांग है। यहाँ पे वो लॉट है और वो सामने वोलो है, ये पेविलियन है आपका, ये ऑब्वियसली पेट्रोनास टावर्स है, ट्विन टावर्स है, और ये सारा आपका जो ये टाइम स्क्वायर का एरिया। ये नीचे जो है टाइम स्क्वायर मॉल है, ये वाला, ये सारा मॉल ये एरिया इसका। और सामने वो है जी आपके, सॉरी ये है आइकिया। एंड ये अभी एक्सचेंज टावर जो है ये पीछे ये बन रहा है। एंड लोकेशन का आपको आइडिया हो सकता है कि ये कैसी लोकेशन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्राइस की, जो सबसे मेन चीज़ है। प्राइस जो है इस सूट की वो स्टार्ट होती है 1500 से पर मंथ और टिल जाती है वो 2500 और 2800 तक, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द अपार्टमेंट। यहाँ पे एक ये टावर है, एक सामने टावर है अभी जो मैंने आपको दिखाया था। ये बेसिकली होटल भी है, ठीक है, होटल्स के रूम्स भी हैं डिफरेंट और स्वीट्स भी हैं जो लोगों ने इस तरह रेंट लाइक परमानेंट ख़रीदे होते हैं और उसके बाद वो रेंट वगैरह पे दे देते हैं। स्टूडेंट्स का मुझे आइडिया नहीं है कि इस बिल्डिंग में होंगे या नहीं होंगे, हो भी सकते हैं इफ़ दे हैव द मनी, राइट। और उसके अलावा जो यहाँ पे नॉर्मली मोस्टली वो लोग रहते हैं जिनका ऑफिस वगैरह, जिनकी ऑफिस लोकेशन जहाँ पे वो काम करते हैं वो नज़दीक हो, और कुछ स्टूडेंट्स लाजमी होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि स्टूडेंट्स ना कहीं भी ना हो, स्टूडेंट्स लाजमी होते हैं, हर जगह होते हैं, क्योंकि कंट्री ऐसी है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत होते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, और दैट्स इट आई थिंक। इसके लिए अभी बात करते हैं हम के जो बाकी प्राइजेस जो हैं, बाकी लोकेशंस जो हैं, बाकी घर वगैरह जो हैं वो आप किस तरह ले सकते हैं। एज अ न्यू स्टूडेंट जब आप आते हैं तो क्या कर सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और क्या क्या प्राइस रेंज होती है। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ कि एज अ स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप आते हो यहाँ पे मलेशिया में, तो आप लोकेशंस वगैरह किस तरह ढूंढ सकते हो, क्या कर सकते हो। मैं अपने पहले बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफ़र किया था कि आप 6 मंथ्स जो है आप हमारे हॉस्टल में रहेंगे और उसके बाद आप या अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं वहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं करना चाहते तो आप 6 मंथ्स के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म करके वो आगे किसी जगह पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि लाजमी नहीं होता कि स्पेशली मास्टर स्टूडेंट्स के लिए लाजमी नहीं होता कि आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में लो, लेकिन होता है क्या कि अच्छी चीज़ होती है कि क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप आते हो नए आपको नहीं पता होता कि बाहर क्या इन्वायरमेंट है, किस तरह जगह देखनी है, कौन कौन जगह अच्छी हैं, कौन कौन सूटेबल है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप यूनिवर्सिटी में आते हो, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, डॉम हॉस्टल में रहते हो और 6 महीने तक आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि कौन सी जगह अच्छी है, आपने किधर जाना है, किस किस तरह आपने सारा अपना प्रोसीजर करना है। अभी यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा, जिस एक है मुदा वेबसाइट, ठीक है, उसके बाद आजकल बड़ी पॉपुलर है स्पीड होम्स, उसके अलावा और कौन कौन सी है। मेनली फ़िलहाल जो मेरी नॉलेज में, हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा हों लेकिन मेरी नॉलेज में सिर्फ ये 2 हैं फ़िलहाल के लिए। स्पीड होम्स एक एप्लीकेशन भी है, उसमें होता है कि आप जब आते हो यहाँ पे तो आप उस पर जिस तरह पाकिस्तान में या इंडिया वगैरह में जिस तरह OLX होता है, OLX पर आप ऐड लगा देते हो, इसी तरह स्पीड होम्स में भी होता है। स्पीड होम्स में लोग अपने घरों के ऐड लगा देते हैं और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कितने कमरे हैं ये, और कमरे नहीं आप ये कमरा, ये मास्टर रूम है, ये फ्री है तो आप ये ले सकते हो और ये प्राइस है इसकी। स्पीड होम्स क्या होता है, स्पीड होम्स में डिपॉजिट नहीं देना पड़ता आपको, जो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे होता है कि डिपॉजिट। एज अ स्टूडेंट अगर लाइक जैसे भी है आपने यहाँ पे 2 मंथ्स का मिनिमम डिपॉजिट देना होता है और उसके बाद 1.5 मंथ की आपने यूटिलिटीज़ देनी होती है, जो आपके बिल होता है लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट का जो भी होता है वो आपने एडवांस में देना पड़ता है। तो वो वहाँ पे आकर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आप ये कह सकते हैं कि स्पीड होम्स है, स्पीड होम्स में होता है कि उनकी सिर्फ अपनी स्पेसिफिक थोड़ी सी फीस होती है, वो आपने पे करनी होती है, उसके अलावा डिपॉजिट नहीं होता वहाँ पे। और जो मुदा है या बाकी वेबसाइट जो है वहाँ पे होता है कि वहाँ पे एजेंट्स भी होते हैं वहाँ पे, तो आप एजेंट्स नंबर ले लो, उनसे बात कर लो, तो आप वो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखा देंगे। एक और चीज़ कि कोशिश ये करनी है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी के पास वाली जो जगह है वहाँ पर आप देखो कोई ना कोई आपको एजेंट लाजमी मिलता है, क्योंकि उनको पता होता है मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन एजेंट्स होते हैं उनका मेनली काम स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। तो उन्होंने क्या करना है, आपको जो भी एक एजेंट मिल गया आप उससे बात करो, मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बता देगा कि यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा, आप बात करते हैं कि जो प्राइस होती है, प्राइस रेंज जो स्टूडेंट्स के लिए होती है वो क्या होती है। वही बात है कि इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। अगर आप डेफिनेटली अगर आप अपनी आपकी यूनिवर्सिटी जो है साइबरजाया में है या कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो एक किस्म का हब नहीं है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे प्राइस थोड़ी सी लो होंगी एज़ कम्पेयर टू मेन सेंटर जैसे ये है टाइम स्क्वायर या कोलमपुर के अंदर। आप पे डिपेंड करता है कि आपने पूरा अपार्टमेंट लेना है या एक रूम लेना है मास्टर, क्योंकि 3 रूम्स होते हैं मेनली हर अपार्टमेंट में, मास्टर रूम, उसके साथ अटैच बाथ होता है, मीडियम रूम और स्मॉल रूम। मीडियम और स्मॉल रूम का जो वॉशरूम होता है वो मोस्टली जो होता है वो लाइक व्हाट यू कैन से शेयरिंग होता है, ठीक है। तो एक अपार्टमेंट में टीवी लॉन्ज हो गया, किचन हो गया, स्मॉल रूम और मीडियम रूम हो गया, उनका वॉशरूम हो गया, मास्टर रूम हो गया, मास्टर रूम का अपना वॉशरूम हो गया। तो ये आपको पूरा अपार्टमेंट जो होता है, जिस तरह साइबरजाया में था, साइबरजाया में हमें ये अपार्टमेंट कॉस्ट किया था अराउंड 1400। और 1400 में जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो मेरे वाली वो इंक्लूडेड नहीं थी, ठीक है। यूटिलिटी आपकी 100 हो जाएगी या 150 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप पूरा अपार्टमेंट लेते होती, फॉर एग्जांपल 3 दोस्तों आप, जिस तरह मैंने लिया था पहले, उसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से जो रेंट होता है वो शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर 1500 है फॉर एग्जांपल, तो आप उनको बोलो कि यार अच्छा आप इस तरह करो कि 700 जो है आप मास्टर रूम का कर लो, ठीक है। उसके बाद आप कर लो 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ आप ये कह लो कि 500 आप मीडियम रूम का कर लो और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 300 जो भी है वो स्मॉल रूम का कर लो। आई होप मेरी कैलकुलेशन ठीक हो, गलत होगी तो आपस में कर लेना यार। तो इस तरह होता है। लेकिन अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो सिंगल रूम में पहली बात ये कि आपको नहीं पता होता कि आपके साथ रह कौन रहा है, ठीक है। और ये नहीं पता होता कि आपकी एक वो बॉन्डिंग बनेगी उनसे कि नहीं बनेगी, नहीं भी बनेगी आपको बनानी पड़ती है क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती। उसके बाद मीडियम रूम आप ले सकते हो, स्मॉल रूम ले सकते हो, मास्टर रूम ले सकते हो। वो आप पे है कि आप सेपरेट ले रहे हो, अपने दोस्तों के साथ ले रहे हो, ये सीन होता है। हाँ एक और चीज़ होती है कि अगर आपने रूम लिया, ठीक है, और रेंट फिर भी ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल किसका मास्टर रूम है, आपने मास्टर रूम लिया। मैं पहले जो रहता था कि मैं पहले जब केएल में रहता था तो मेरे रूम का जो रेंट था वो 1400 था, ठीक है। अब वो क्या होता था कि 1400 एक सिर्फ रूम का रेंट था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा था। अब उसमें क्या होता था, फ़ायदा यह था कि रूम बहुत बड़ा था, वॉशरूम अटैच था, सब कुछ था, और जो इंटरनेट वगैरह था वो इंक्लूडेड था। इलेक्ट्रिसिटी का आपको देना पड़ता था लेकिन वो भी बहुत कम होता था, बहुत कम होता था। तो मैं क्या करता था, मैंने अपने दोस्त के साथ वो रूम शेयर किया हुआ था। अब ये क्या होता था कि हम लोगों को वो हाफ में बांट देता था, हाफ में लाइक हमें हाफ पेमेंट देनी पड़ती थी, मैं हाफ देता था, वो हाफ देता था, तो उस तरह हम कंबाइन कर लेते थे। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। स्मॉल रूम ले लिया, स्मॉल रूम तो बहुत ही छोटा होता है यार, लेकिन अगर फिर भी अच्छा है तो आप अगर शेयर कर सकते हो तो स्मॉल रूम 2 बंदे ले लो। अगर 300 का रूम है तो आपको 150 देना पड़ जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं है, किस्म का फ्री है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी होता है, लोग क्या करते हैं, मास्टर रूम लिया, मीडियम रूम लिया, स्मॉल रूम लिया और उसको किसी और के साथ शेयर कर लिया, अगर आप शेयर कर सकते हो तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है आपके पास। और ये प्राइस रेंजेस हैं यहाँ पे। बाकी वेबसाइट की जो लिंक है मैं आपको नीचे दे दूँगा, वो आप देख सकते हो। अभी जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ उधर आई एम पेइंग अराउंड व्हाट यू कैन से 600 to 700 पर मंथ, ठीक है। और मेरा रूम बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, वो सिर्फ एक बेड है, एक टेबल है और दैट्स इट, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। तो लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, मेरा जो रूम है एक सेंट्रल लोकेशन पे है। मेरे रूम से जो LRT जो ट्रेन का जो स्टेशन है वो सिर्फ मैं अपने कॉन्डो से बाहर निकलता हूँ तो 2 मिनट से भी कम वॉक पे में LRT स्टेशन है। और उसके साथ ही सनवेपुत्रा मॉल है जो कि काफ़ी पॉपुलर मॉल भी है। तो सारी चीज़ होती है लोकेशन की, पैसे होते हैं। अगर जितनी लोकेशन दूर होगी लाइक सिटी से या कुछ इस तरह की जगह होगी कि जो यार काफ़ी लाइक दूर दराज हो, तो वहाँ पे आपको पूरा अपार्टमेंट मिल जाएगा 1000 रिंगिट में, पूरा अपार्टमेंट 3 रूम्स के साथ, 3 रूम्स के साथ, हाँ जी, अच्छा खासा बड़ा रूम। तो लेकिन वही बात है कि डिपेंड करता है फिर भी आपकी लोकेशन और आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे। तो ये है आई थिंक सारा सिनेरियो, प्राइजेस जो रूम्स की हैं स्टार्ट होती हैं 200, 300 रिंगेट से। स्मॉल रूम, मीडियम रूम 500 या 700 और सब मास्टर रूम था। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है वह स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अब स्टूडियो अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि अगर आपका बजट है तो आप एक करते हो, आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेते हो। स्टूडियो अपार्टमेंट क्या होता है कि एक रूम होता है, एक बड़ा सा रूम होगा, बेड रूम भी वही है, किचन भी वही है और वॉशरूम भी वही है। वॉशरूम के लिए एक सेपरेट बोला एग्जैक्टली बात है, वो सेपरेट रूम। लेकिन किचन फॉर एग्जांपल आप ये जिस तरह मेरे पीछे रूम है, ठीक है, ये यहाँ पे वॉल आ जाएगी सारी, ये सारी वॉल आ जाएगी और ये पूरा एक रूम है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट होगा। अब पीछे आप बेड लगा लो, यहाँ पे आपका किचन हो जाए, टेबल हो जाए और साथ एक वॉशरूम हो जाए, तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है। अब स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत से स्टूडेंट्स लेते हैं, वो इसलिए जो शेयर नहीं कर सकते, जो शेयर नहीं करना चाहते, जो कहते हैं कि नहीं यार हम अकेले ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट जो होता है नॉर्मली स्टार्ट होता है 1000 रिंगिट से, जो मिनिमम जो अब अभी तक मैंने देखा, क्या पता इससे भी कम हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। साइबरजाया की मैं बात कर रहा हूँ, केएल में जाहिर बात है उससे भी महंगा है। जो मिनिमम 1000 से स्टार्ट होता है स्टूडियो अपार्टमेंट। और लेकिन वही बात है, स्टूडियो अपार्टमेंट जब आप लेते हो तो 2 मंथ्स का डिपॉजिट, ये जेन में रखना, 2 मंथ्स का डिपॉजिट हो गया 2000, ठीक है, और यूटिलिटी आप तकरीबन 2000 ये हो गया और 200 आप वो लगा लो। बाकी 300 जो होता है नॉर्मली वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फीस होती है, वो जो इनकी सारी फी होती है, तकरीबन आपको 2500 आपको ये देना पड़ जाएगा जो आप इधर स्टूडियो के लिए देते हो। स्टूडियो भी अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास बजट है तो, एंड आई थिंक यही है बस। स्टूडियो हो गया, स्मॉल रूम हो गया, मीडियम रूम हो गया, मास्टर रूम हो गया, उसके अलावा तो कुछ नहीं यार। उसके बाद रोड पे सोना है, रोड पे सोचो, आप पे डिपेंड करता है। और यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स होते हैं उनके होता है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, अपनी प्राइजेस होती हैं और अपने रूम्स होते हैं, तो उनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज है वो, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि मुझे आप बता दें आपके पास कोई हॉस्टल वगैरह है, तो आप उनसे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो और आप तक 6 महीने में आप जगह समझ आ जाएगी, आपको एनवायरनमेंट भी समझ आ जाएगा। तो उसके बाद आपने जिधर जाना है तो फिर अपनी मर्जी से आप देखो, जो आपकी फिजिबल जो लोकेशन है वो कर लो, एंड दैट्स ऑल। ओके, सो ये था शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग आज का। आई नो बोरिंग हो गया था, लेकिन यार इस तरह की वीडियोस जो होती हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं और इस तरह की वीडियोस बनानी पड़ती हैं, क्योंकि मेन जो मोटो है मेरे चैनल का वो यही है कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं उनके लिए लाइक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके साथ मैं शेयर कर सकूं। और जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं इस तरह काफ़ी अच्छे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, मैसेज करते हो, पूछते हो, और इसी तरह बस सपोर्ट करते रहो। एंड सब्सक्राइब करने नहीं भूलना, वो इसलिए क्योंकि मेरे जो चैनल के जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी ऊपर नीचे हैं, वो इसलिए क्योंकि आउट ऑफ 100% 80% जो हैं व्यूअर्स वो सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे, तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर चैनल को करोगे तो इट विल हेल्प मी अलॉट। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप मुझे पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस हैं या अगर आपने किसी और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दो, मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपका रिप्लाई करूँगा। या टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।